नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा गजल सम्राट जगजीत सिंह, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जगजीत सिंह गजल की दुनिया के बेताज बादशाह और अपनी सहराना आवाज से लाखों करोड़ों सुनने वालों के दिलों पर राज करने वाले प्रसिद्ध गजल गायक थे। खाली उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली नवाबों रक्कासाओं की दुनिया में झलकती और शायरों की महफिल में वाह वाह की दात पर इतराती गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है जगजीत सिंह। उनकी गजलों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेरों शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब मीर मजाज जोश फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय करवाया। हिंदी उर्दू पंजाबी भोजपुरी सहित कई जबानों में गाने वाले जगजीत सिंह को साल 2003 में भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म भूषण से नवाजा गया। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। पिता सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के कर्मचारी थे। जगजीत जी का परिवार मूलतः पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला था। मां बच्चन कौर पंजाब के ही समरल्ला के उट्टालन गांव की रहने वाली थी। जगजीत का बचपन का नाम जीत था। करोड़ों सुनने वालों के चलते सीए साहब कुछ ही दशक में जग को जीतने वाले जगजीत बन गए। जगजीत सिंह की शिक्षा गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए जालंधर चले गए। डीएवी कॉलेज में स्नातक की डिग्री ली और इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया। बचपन से ही पिता से संगीत विरासत में मिली। गंगानगर में ही पंडित छगन लाल शर्मा के सानिध्य में 2 तक शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत की। आगे जाकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाए, लेकिन जगजीत पर गायक बनने की धुन सवार थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान संगीत में उनकी दिलचस्पी देखकर कुलपति प्रोफेसर सूरज भान ने जगजीत सिंह जी को काफी उत्साहित किया और उनके कहने पर ही 1965 में वो मुंबई आ गए। जगजीत सिंह मुंबई में आकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगे और विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाकर या शादी समारोह वगैरह में गाकर रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे। यहाँ से संघर्ष का दौर शुरू हुआ। जगजीत सिंह का फिल्मों में संगीत देने का सपना था, साथ ही गजल गायकी में भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। छुटपुट रिकॉर्डिंग मिलने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात चित्रा जी से हुई, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। इस जोड़ी ने एक से एक गजलों के एल्बम दिए। फिल्मों में संगीत देने का जगजीत सिंह का सपना पूरा तो हुआ, मगर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हालांकि उनकी 2 फिल्में उनके संगीत के लिए हमेशा जानी जाती रहेंगी। एक है 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत और दूसरी सन 1982 में प्रदर्शित फिल्म अर्थ। इन दोनों फिल्मों का संगीत जगजीत सिंह ने अमर कर दिया। हालांकि
जगजीत सिंह ने कई फिल्मों में संगीत दिया लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि एक प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्हें काफी ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने गजलों की दुनिया में भारी नाम कमाया, साथ ही पंजाबी लोकगीत भजनों की दुनिया में भी खासा नाम कमाया। डिंपल कबाड़िया और विनोद खन्ना अभिनीत फिल्म लीला का संगीत औसत दर्जे का रहा। 1994 में खुदाई, 1989 में बिल्लू बादशाह, 1989 में कानून की आवाज, 1987 में राही, 1986 में ज्वाला, 1986 में लौंग दा लस्कारा, 1984 में रावण और 1982 में सीतम के न गीत चले और न ही फिल्में। 1966 में जगजीत सिंह की मुलाकात चित्रा से हुई। दो साल बाद 1969 में प्रणय सूत्र में बन गए। जगजीत सिंह के जीवन के कुछ अहम पड़ाव, 1961 में मुंबई का रुख किया लेकिन कोई खासी कामयाबी नहीं मिली, वापस जालंधर की राह पकड़ ली। 1965 में फिर माया नगरी में किस्मत आजमाने पहुंचे। HMV ने दो गजल रिकॉर्ड करवाई। 1967 में विज्ञापन फिल्म और वृत्त चित्रों के लिए रिकॉर्डिंग करने के दौरान उनकी मुलाकात चित्रा से हुई। चित्रा से शादी रचाई संगीत घराने से ताल्लुक रखने वाली चित्रा का यह दूसरा विवाह था। HMV ने जगजीत सिंह और चित्रा का पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल निकाला। 1980 के दशक में एल्बम और कॉन्सर्ट का आयोजन बढ़ा और फिल्मों में भी सफलता मिली। 1987 में डिजिटल CD एल्बम ड्यू टाइम करने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने। 1990 में इकलौता बेटा विवेक, जिसकी उम्र 18 साल की थी, सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई और जीवन में दर्द भर गया। 2009 में चित्रा की पहली शादी से हुई बेटी मोनिका चौधरी, जो कि 49 वर्ष की आयु की थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। 1981 में रमन कुमार द्वारा निर्देशित प्रेम गीत और 1982 में महेश भट्ट की निर्देशित अर्थ को भला कौन भूल सकता है, अर्थ में जगजीत सिंह ने संगीत दिया और फिल्म के सारे गाने हिट रहे। इस फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए। जगजीत सिंह ने बहुत सारे गाने गजल गाए। उनके कुछ प्रमुख गानों के नाम, प्रेम गीत का होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, खलनायक का ओ माँ तुझे सलाम, दुश्मन फिल्म का चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, जॉगर्स पार्क का बड़ी नाजुक है ये मंजिल, साथ साथ का ये तेरा घर ये मेरा घर, प्यार मुझसे जो किया तुमने, फिल्म सरफरोश का होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या, ट्रैफिक सिग्नल का हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं टूटे, तुम बिन का कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, वीर जारा का तुम पास आ रहे हो, ये गाना उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ गाया था। तरकीब का मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देखकर, ये गाना उन्होंने अलका याग्निक के साथ गाया था। दोस्तों, जगजीत सिंह जी ने अपने चाहने वालों को एक से एक गजलों के एल्बम दिए। सभी एल्बम का नाम लेना तो संभव नहीं है लेकिन कुछ के नाम मैं आपको बताता हूं। 1976 में आया अनफॉरगेटेबल, 1980 में अ माइल स्टोन, 1981 में मैं और मेरी तन्हाई, 1985 में ई कोज, 1988 में मिर्जा गालिब, 1991 में कहकशा, 1991 में ही सजदा नामक एल्बम रिलीज हुआ जो कि लता मंगेशकर जी के साथ था। 1993 में फेस टू फेस, 1993 में ही अदा, 1996 में जाम उठा, 1998 में सिलसिले, सन 2003 में तुम तो नहीं हो और सन 2009 में इंतेहा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने काफी सारे पंजाबी एल्बम और भक्ति एल्बम भी दिए। पंजाबी एल्बमों में इश्क दिमाला, मन जीते जगजीत, बिरहदा सुल्तान जैसे एल्बमों के नाम
लिए जा सकते हैं। भक्ति एल्बमों में हरे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे राम जैसे एल्बम उल्लेखनीय है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।